गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिएगा, आज अपने हमने किचन में ऑथेंटिक कीमा आलू बनाया है, जैसे बनता है पुराने ज़माने में लोग बाग बनाते थे। अब तो बहुत सी चीज़ें इसमें मतलब बदल दी हैं, मैंने एक्स्ट्रा कुछ इसमें नहीं बदला, कोई सामान एक्स्ट्रा नहीं डाला, नहीं ऐड ऑन करा, नहीं कुछ चेंज किया। जैसे बनता था मैंने वैसे ही कीमा आलू बनाए। ये देखिएगा कितना टेस्टी यम्मी सा लग रहा है। अगर आपका भी दिल ये रेसिपी देख के कीमा आलू खाने का करे तो प्लीज़ बनाकर देखिए मेरे स्टाइल से। तो चलिए बनाते हैं हनीफा की किचन में हनीफा के साथ कीमा आलू की रेसिपी। तो फिर कीमा आलू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कुकर लिया और धुलूंगा साफ मेरा कीमा था, तो मैंने कीमा ले लिया और इसमें हमने जिंजर गार्लिक, तो यानी 2 चम्मच जिंजर है, 2 चम्मच गार्लिक है और 1 बड़ी प्याज है और ये की, तो वो सब हमने साफ पीस लिया है। और हम फ्लेम अपनी अब ऑन कर देंगे, ये देखिएगा। और अब इसके बाद हम तेल डालेंगे, हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, आपको जो ऑयल पसंद हो आप वो डालिए, रिफाइंड ऑयल में भी बन सकता है, बट यूपी के लोग ऑथेंटिक रेसिपी है मेरी, तो इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। तो टेस्ट वो आप तेल अपने अकॉर्डिंग डालिए। तो ये मेरी 100 ml की पली है, 100 ml की, तो मैं इसमें करीब 2.5 ml तेल डालूंगी जिससे रोगन अच्छा रहे। जब तक कि गोश्त में रोगन अच्छा ना होगा तब तक कि उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसे खुला भूनेंगे जिससे इसका रॉनेस चला जाए, तेल का, लहसुन अदरक का, ये सब चीज़ों का। साथ ही हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे, जैसे मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच हल्दी लिए और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये पिसी हुई बारीक मिर्च है। तो ये सब डाल के हम अच्छे से इसको कीमे को भून लेंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। इसमें हम आधी प्याली कीमा पानी डालेंगे जिससे इसका कच्चापन सब चले जाए और हम इसे खुला ही अच्छा भूनेंगे। अगर आपने खुला नहीं भूना तो जो ऑथेंटिक रेसिपी हम बना रहे हैं कीमा आलू की, तो उसमें इसका कच्चापन लगेगा और वो स्मेल आएगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, स्मेल नहीं आए, इसलिए हम इसे कच्चे इसी टाइप से भून लेंगे। तो 5 मिनट में इसका रॉनेस चला जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें 1 विसिल लगाएंगे। अगर आपका बड़े का कीमा है तो आप 2 विसिल लगाइए, अगर आपका मटन है, रेड मीट है, तो आप 2 लगाइए, अगर आप मटन है तो आप 1 विसिल में ही काम हो जाता है। और फिर आप 1 विसिल के बाद खोल के देख लीजिए, कभी कभी रेड मीट भी मतलब सॉरी मटन भी हैवी होता है तो वो भी देर से गलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार खोल के ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो फिर बाद में आप यही नहीं कहना कि मतलब हमने आपका 2 विसिल लगवा लिए और आपका कीमा ओवर कुक हो गया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं आए। तो इसके लिए 5 मिनट में मैं अच्छे से भून लूँगी, तभी ऑयल रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 विसिल के बाद मेरा रेड मीट है इसलिए मैं इसमें 2 विसिल लगाऊंगी, 2 विसिल के बाद फिर मैं इसको देखती हूँ अगला प्रोसीजर। ये देखिएगा हमने सब बताया आपको, तो सॉरी मैं इसमें नमक डालना भूल गई, तो मैंने साबुत नमक लिया है। अगर आप पिसा नमक डालते हैं तो 1/2 चम्मच डालिए, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम खाते हैं तो फिर कम डालिए। मेरे यहाँ मीडियम नमक खाया जाता है इसलिए मैंने छोटे छोटे से साबुत नमक डाले थे। आपने जो जैसे देख ही लिया होगा मैं 2 तरह का नमक यूज़ करती हूँ, पिसा भी, आयोडाइज्ड और विदाउट आयोडाइज्ड भी, क्योंकि मेरे भाई डॉक्टर्स हैं तो वो मुझे बताते हैं कि मतलब किस तरीके से खाना पीना चाहिए, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाती हूँ अपना खाना माशाल्लाह से। तो ये देखिएगा 5 मिनट में ही हमारा कीमा अच्छे से भून गया है। इसके बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के 2 विसिल लगा लेंगे, उसके बाद खोल के देखेंगे। ये देखिएगा इसमें 2 विसिल आ चुकी हैं और कीमा हमारा गल चुका है, तो हम इसे अच्छे से हाई मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, इसका जितना भी पतला बने शोरबा वो खत्म हो जाए। तो ये देखिएगा 5 मिनट में हमारा कीमा सारा मतलब भून चुका है। थोड़ी देर हम और स्लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे जिससे बिल्कुल भी अच्छे से भुन जाए, इसका बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं हो, तभी ऑथेंटिक तरीके से बनेगा। और ऑथेंटिक तरीके से तभी बन पाएगा जब आप इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। बहुत कंपनी का मस्टर्ड ऑयल ईजीली मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको, अगर आपको पसंद ही नहीं है तो आप उसमें बना सकते हैं जो ऑयल आपको पसंद हो। तो ये देखिएगा हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें
आलू थोड़े से डालना है। अगर आपको पसंद है तो आप आलू डालिएगा, नहीं पसंद तो आप हरी मिर्च अदरक धनिया डाल के गर्म मसाला डाल के ऐसे ही सर्व करिए। बट मुझे आलू पसंद है तो मैं थोड़े से इसमें आलू ऐड करूँगी। इसमें आलू डालते हैं, आप प्लीज़ ये मत कहिए मैं इतना आलू डाल रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है। मैंने तो सिर्फ इसमें 3 आलू निकाले थे बट मेरे बच्चों की जिद की वजह से मुझे और आलू डालना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं नहीं अम्मी प्लीज़ आलू ज़्यादा डालिए, क्योंकि ये वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद आलू करते हैं। मोस्टली सब आलू खा ऐसे ही मतलब ले लेंगे, अपनी अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। तो मुझे आलू मजबूरन आलू गोश्त में भी ज़्यादा आलू के अगर कोई रेसिपी में बना रही हूँ डिश तो मुझे उसमें आलू ज़्यादा डालना पड़ती है। तो इसे भी आलू डाल के हम करीब 2 मिनट भून लेंगे जिसका आलू का रॉनेस चले जाए, इसमें जो भी पानी होगा तो इससे इसका ऑयल का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑयल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस टाइम आप नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च कम हो तो आप और डाल लीजिए, थोड़ा सा अगर नमक फिट तेज़ हो तो आप नहीं डालिए ज़्यादा नमक हो, अगर नमक कम हो तो आपको आलू का नमक डालना है, क्योंकि अगर आलू का नमक नहीं डाला आपने तो फिर आलू का नमक टेस्ट नहीं आएगा और आलू आपके फीके फीके लगेंगे। तो आलू आपके फीके फीके नहीं लगे इसके लिए हमें आलू का नमक डालना है। देखिए बातें करते करते हमारा आलू भी 1 मिनट में भून गया, तो अब इसमें हम पानी डालते हैं। तो इस मैंने चेक लिया आलू का नमक मुझे डालना है, मैंने इतना डाला। अगर आप आलू का नमक डाल रही हैं तो आधे से थोड़ा कम चम्मच डालिए, आधे चम्मच से थोड़ा कम डालिए या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद इसमें 2 हिस्से लगा लेंगे जिससे आलू गल जाएंगे अच्छे से। और साथ ही हम इसमें हमने 4 हरी मिर्च कट करके रख ली है, तो चलिए वो हम बाद में डालेंगे, अभी पहले आलू गला लेंगे। इसके लिए हम 2 विसिल ले लेंगे इसमें, देखिएगा माशाल्लाह से 2 विसिल में हमने लिया, तो उसके बाद आलू गल गए। तो इसमें हम 1 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला है, ये मेरा होममेड है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और साथ में हम इसमें लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि मिर्च की क्वांटिटी मैंने कम रखी थी, तो ये जब तक के काफ़ी लाल नहीं हो कीमा आलू दिखने में तो इसका टेस्ट नहीं आता, इसके लिए मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करी है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, क्योंकि अगर बहुत जब लाल मिर्च जब तक लाल कलर नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता, और लाल कलर उन लोगों का आता है जो मिर्च ज़्यादा खाते हैं। बट मैंने तो इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली, बहुत लाइट डाली है, इसलिए मुझे मतलब ये कश्मीरी लाल मिर्च डालना पड़ा। साथ में हमने हरा धनिया डाला है, हरा धनिया बहुत से लोगों को नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, बट हरा धनिया तो इसकी जान है और मेन है हरा धनिया, तो इसलिए मैंने हरा धनिया डाला है। साथ में हमने 4 हरी मिर्च डाली है, अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद इसका फ्लेवर तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, बट अथेंटिक तरीके से अगर आपको बनाना है तो आपको हरा धनिया हरी मिर्च दोनों ही डालना पड़ेगी। और 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ज़रा हम इस पर लिड ढक देंगे, उसके बाद इसका रोगन सारा रिलीज हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं और तभी हम प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा 2 मिनट बंद करने के बाद हमारा कितना अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह से, अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर मेरे किचन में लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है। तो फिर चलिए हम इसका प्लेटिंग करते हैं। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से बहुत अच्छी तरकारी बनी है, एकदम ऑथेंटिक रेसिपी हमने बनाई है, आप भी बनाकर देखिए। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगर आप चाहें तो, वरना कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत डाइट कॉन्शियस हैं तो मैं इसमें घी नहीं डाल सकती। आप अगर सर्व करें, अगर आपको घी पसंद है तो प्लीज़ इसमें थोड़ा घी ऊपर से डालिए, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो ये देखिएगा माशाल्लाह से कितनी जल्दी तैयार हो गया हमारा कीमा आलू बनके। तो ये देखिएगा कितना टेस्टी अम्मी डिलीशियस से लग रहा है माशाल्लाह हमारा। आप भी बना कर देखिए कीमा आलू की रेसिपी और बताइए कैसे लगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी कर देना। फिर मिलेंगे इतनी ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। ये देखिएगा, तब तक के बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।